Hello everyone, welcome back to our study channel, that is Nagin Group of Studies. Here we are again with our new topic from the chapter Mineral and Energy Resources. And we cannot say this topic is new because this is the part of the last class. क्योंकि लास्ट क्लास हमने मेन मेजर बेल्ट्स के बारे में और आयरन ओर के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने इंडिविजुअली सोचा था करने के लिए उन सब चीजों के बारे में. हमारी अगली क्लास उनको कंप्लीट करने के लिए है बेटा. तो सबसे पहले एक बार हम एनर्जी क्लास से रिलेटेड, सॉरी एनर्जी क्लास बोला, रिविजन क्लास देखेंगे कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा था और किस तरीके से पढ़ा था. जैसे हमने लास्ट क्लास में हम रिविजन के बारे में पढ़े, तो हमने यहाँ पे इंडिविजुअल, सॉरी एक मिनट रुकिए, तो हमने यहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेस थे, जो हमारे क्या थे बेटा, रिसोर्सेस थे ना हमारे, उनको इंडिविजुअली तरीके से सोचने की या करने की ट्राई की थी. तो हमारे सबसे पहले जो आए थे वो आए थे हमारे फेरस मिनरल्स बेटा. कौन से आए थे? फेरस मिनरल्स आए थे. एंड फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? विच कंटेन आयरन, इनमें क्या होता है? आयरन होता है. तब यहाँ पे देखते हैं हम, देखो हमने सबसे आयरन ओर में, सबसे हमने आयरन ओर में जो पहले बात की थी वो बात की थी हमने बेटा मैग्नेटाइट के बारे में. इसके बारे में, मैग्नेटाइट के बारे में. और मैग्नेटाइट में हमने बताया था इसमें आयरन ओर कंटेंट, देखो आयरन ओर कंटेंट होता है, तो आयरन ओर का कंटेंट कितना होता है इसमें प्रेजेंट होता है बेटा 70% होता है. और ये मैग्नेट के लिए अच्छा होता है, मैग्नेटिक होता है. और मैग्नेटिक होता है इसीलिए इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इसका इस्तेमाल हम करते हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में करते हैं. सेकेंड मैग्नेटाइट क्या गया हमने पढ़ा था? हेमेटाइट बेटा. इसमें इसके मुकाबले में आयरन की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, जहाँ पे 50 से लेकर कितनी होती है 60% होती है, लेकिन मैग्नेटिक नहीं. लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. तो हमारा जो मैग्नेटाइट होता है, दूसरा क्या होता है हमारा? हेमेटाइट होता है. तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं. अब हमने उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मेजर आयरन बेल्ट्स इंडिया, मेजर जो आयरन बेल्ट्स पढ़नी थी हमने उसके बारे में पढ़ा था. मेजर आयरन बेल्ट्स कौन कौन सी हो सकती है? तो नंबर वन जो हमने पढ़ा था बेटा ओडिशा और झारखंड, कौन सी थी बेटा? ओडिशा और झारखंड बेल्ट थी. और सेकंड कौन सी थी बेटा हमारी? दुर्ग बस्तर, कौन सी थी? दुर्ग बस्तर थी बेटा आयरन बेल्ट. चंद्रपुर भी था इसके अंदर शामिल, चंद्रपुर हमारी कौन सी थी? आयरन बेल्ट थी हमारी. थर्ड जो हमारा था वो कौन सा था हमारा? दुर्ग बस्तर के अलावा यह भी था, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नाम था ना, चित्रदुर्ग. और एक थी हमारी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट. इन सब के बारे में हमने पढ़ा था. ये मैंने सबको एक साथ आपको रिवाइज करवा दिया है कि हमारे हम रिसोर्सेज को कैसे पढ़ेंगे बेटा, इंडिविजुअली पढ़ेंगे. और हमारा कौन सा होते हैं? फेरस मिनरल्स होते हैं पहले, उसके बारे में विच कंटेन आयरन होता है. तो सबसे पहले आता है बेटा मैग्नेटाइट आता है, और क्या आता है इसके ओर में? हेमेटाइट आता है. मैग्नेटाइट में कितना कंटेंट होता है आयरन का बेटा? 70% होता है. और ये मैग्नेटी होता है इसलिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है. और हेमेटाइट जो होता है 50 से 60% इसके अंदर कंटेंट होता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू. मेजर आयरन बेल्ट इंडिया कौन सी है? ओडिशा झारखंड है,
दुर्ग बस्तर है, चित्रदुर्ग कामरूप और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है। तो अब आगे हम इंडिविजुअली इन बेल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनके बारे में विशेषता क्या है और इनको हम किस तरीके से हम देख सकते हैं और किस तरीके से इनको हम पढ़ सकते हैं बेटा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आती है ओडिशा एंड झारखंड बेल्ट, जो मैंने आपको बताई है। ओडिशा और झारखंड बेल्ट जो हमारी सबसे नंबर वन पे आती है, वो कौन सी बेटा? ओडिशा और झारखंड बेल्ट है। इन ओडिशा हाई ग्रेड ऑफ हेमेटाइट, ध्यान रखना बेटा कौन सा और कहाँ पे मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हाई ग्रेड किसका मिलता है बेटा? हेमेटाइट का मिलता है। और हेमेटाइट की विशेषता के इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर जो आयरन मिलता है वो कितना होता है? 50 से लेकर 60% तक ही होता है। और इस पाउंडिंग बदम पहर माइंस, क्या बोला बेटा? बदम पहर, क्या बोला? माइंस कौन से इसकी, ध्यान रखना बेटा ये बदम, बादाम याद रखना बस, बादाम पहर माइंस, माइंस इन द कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मयूरभंज, या तो मयूरभंज बोल दो, तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, और कौन सा? केंदुझर। नाम उठपटे हैं तो ये आप तो देखो करना ही पड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट है जहां पे हमारी मिलती है, एक तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट और केंदुझर। तो इन ओडिशा, ओडिशा की अगर हम बात करें तो ओडिशा में हाई ग्रेड का हेमेटाइट और हमें मिलता है, जो कि बदम पहर माइंस में मिलता है। माइंस कौन सी है? बदम पहर माइंस है। लेकिन अगर हम बात करें कि इनका जो स्टेट है, उनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट है आपका एक तो मयूरभंज है और एक केंदुझर है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट वहां पे मिलते हैं। देखो बदम पर माइंस आपको दिखा दिया मैंने कहां पे मिलता है, ये आपकी बदम पर माइंस है और ये मयूरभंज है और यहाँ पे केंदुझर है, दूसरी साइड है बेटा कहा है? केंदुझर है। और ये क्या? सिंघभूम। तो क्या बोला है? इन दैट जॉइनिंग सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गोवा एंड नौमुंदी। देखो नाम थोड़े से बेटा आपको लर्न करने पड़ेंगे, सो ये नाम्स के ऊपर मैं थोड़ा सा जोर देता हूँ। कौन सी? सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट, सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट, सिंघभूम क्या है बेटा? ये आपकी डिस्ट्रिक्ट है जो कि झारखंड में हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गोवा। क्या नाम है बेटा? गोवा, गोवा नहीं है ध्यान रखना, गोवा एंड नौमुंदी। क्या नाम है बेटा? नौमुंदी है, जहाँ पे हमें ये हमारा आयरन ओर मिलता है, जो कि है हमारा हेमेटाइट आयरन ओर है। कौन सा है? एक तो बेटा हमारा सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? इन दैट जॉइनिंग सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड की सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट में हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गोवा एंड नौमुंदी। तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सी है? सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट है। और हमारा जो आयरन ओर हम जो से निकालते हैं माइंड, और कहाँ पे बेटा? गोवा और नौमुंदी में। कहाँ पे? गोवा और नौमुंदी के अंदर मिलता है। आगे देखिए यहाँ पे अब मैप में आपको क्या दिखाया गया? गोवा और नौमुंदी के बारे में दिखाया गया है। मैप एक बार ध्यान से देखिए बेटा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बेल्ट जहाँ पे है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। कौन सी? कहाँ पे है? ध्यान रखना बेटा ये, एक तो कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है और कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ये हमारी बेल्ट कौन सी है? ये हमारी बेल्ट नंबर लाती है बेटा दो नंबर वाली, जो कि हमारी दुर्ग बस्तर है। तो लास्ट वाली कहाँ पे थी? ओडिशा और झारखंड, ओडिशा और झारखंड बेल्ट थी। और ये हमारी दुर्ग बस्तर बोला जाता है, लेकिन है कौन सी? ये हमारे राष्ट्र के बारे, राज्यों के बारे में पूछेगा तो कौन सी है? छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। अब देखिए छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में मिलती है बेटा, देखिए एक तो दुर्ग, एक क्या है बेटा? बस्तर। ऊपर वाला कौन सा है? दुर्ग। और नीचे वाला कौन सा? बस्तर और चंद्रपुर। और ये है बेटा आपका चंद्रपुर, ध्यान रखना बेटा चंद्रपुर कहाँ पे है? इधर एक तो है बस्तर, एक है दुर्ग, ये वाले हो गए बेटा एरियाज। एक आया बेटा आपका जैसे देखिए ये दोनों के दोनों आगे, तो उसके बाद चंद्रपुर। ये क्या बेटा आपका? चंद्रपुर। ये आपका क्या है? चंद्रपुर है, जो वहां पे मिलते हैं आपको क्या? आयरन ओर। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइन छत्तीसगढ़, ध्यान रखना बेटा। अगर जो दुर्ग बस्तर है ना, जो आपके हैं दुर्ग और बस्तर है, तो आपको कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और जो आपका दूसरा है, जो आपकी चंद्रपुर है, चंद्रपुर कहाँ पे मिलती है बेटा? ये आपकी महाराष्ट्र में है, लाइट इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, चंद्रपुर लाइट इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो इसने आगे क्या बोला बेटा, वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर फाउंड इन फेमस बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स इन बस्तर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। देखो अब यहाँ पे देखो जो सीखने की बात, वो क्या बात है
इतने पे जो बात सीखने की वो क्या बात है, मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि जो हमारी बस्तर है ना, बस्तर है जो हमारा बस्तर है, अब बस्तर के अंदर है हमारी कौन सी बेला दिला रेंज ऑफ हिल्स, कौन सी बेला दिला रेंज, बेला दिला रेंज ऑफ हिल्स है, कौन सी है बस्तर के अंदर बेला दिला रेंज ऑफ हिल्स है बेटा, जो कि हमारी इसके अंदर है बेटा बस्तर, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है बस्तर, ये हमारी क्या देखो डिस्ट्रिक्ट है, बस्तर हमारी क्या है एक डिस्ट्रिक्ट है, अरे डिस्ट्रिक्ट कहाँ की है, ये डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, डिस्ट्रिक्ट कहाँ की है बेटा छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम क्या बेटा हम बस्तर बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं बस्तर, तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ की बेटा, ये छत्तीसगढ़ की है, जहाँ पे बेला जिला रेंज ऑफ हिल्स में मिलता है बेटा, जो वहां पे तो उस रेंज में कौन सा पाया जाता है बेटा ये ध्यान रखना, वो और कौन सा पाया जाता है हमारा एमेटाइट्स पाया जाता है। आगे देखिए, आगे देखते हैं बेटा छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र जो हिल्स है बेटा वो हमारी कहाँ पे बेटा, अब आगे देखते हैं, एक तो हो गया हमारा दुर्ग हो गया, एक हमारा क्या हो गया बस्तर हो गया, अब इसके बाद यहाँ पे ना देखो मेन चीज सोचने की ये वाली बात है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट हमारी कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ दुर्ग बस्तर है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात जो सोचने की वो ये बात है कि भाई दुर्ग और बस्तर ये कहाँ पे पड़ते हैं, चंद्रपुर, ये तो बेल्ट बताया गया है, पूरी की पूरी बेल्ट है, लेकिन यहाँ पे ये बात अलग से जाननी बहुत जरूरी है कि जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है ये छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट है और इसके अंदर बेला दिला रेंज ऑफ हिल्स है, जिसके अंदर हमें आयरन और हमें हेमेटाइट मिलता है, ये इम्पोर्टेंट चीज जानने की है, क्योंकि वैसे तो दुर्ग बस्तर को आप बोल सकते हो भाई बेल्ट है, बेल्ट का मतलब ये थोड़ा कि मतलब बेल्ट का मतलब ये दोनों स्टेट्स में फैला हुआ है भाई, कोई कौन से राज्य के अंदर पड़ता है, कौन से राज्य के अनुसार आता है, तो ये चीजें इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कभी भी मान ले आपका मैप आएगा वो आ गया बेला जला रेंज से रिलेटेड, तो वो आपको देखना पड़ेगा ना भाई वो छत्तीसगढ़ में या कौन से स्टेट में है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है थोड़ी सी, तो देखो बेला दिला रेंज बता दिया आपको कहाँ पे बेटा, अब देखो जो बेला दिला रेंज है ना वो वैसे ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है उसके बारे में आपको बताता हूँ, इसके लिए एक मिनट देख रही बेटा, देखो द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर ग्रेड हेमेटाइट, तो बेला दिला ये तो अपने दिमाग में बैठा ही लीजिए कि ये तो आपके दिमाग में बैठा ही लीजिए कि बेला दिला है कौन सी है, बेला दिला, बेला दिला जो हिल्स है बेटा रेंज है इसके अंदर 14, एक ना दो ना सीरीज 14 है, जो कि सुपर ग्रेड का हेमेटाइट आपको मिलता है, सुपर ग्रेड का क्या मिलता है आपको हेमेटाइट मिलता है, लेकिन अगर आप पीछे देखोगे मैं एक बार और रिवाइज करवा रहा हूँ, हेमेटाइट हमें कहाँ मिलते हैं बेला दिला रेंज हिल से मिलते हैं, जो कि कहाँ पे बस्तर डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में बेटा, देखो ध्यान रखना बेला दिला जो है बेटा वो है बस्तर के अंदर, कहाँ के अंदर है बस्तर के अंदर मिलती है, और बस्तर किसके अंदर है बेटा, बस्तर में भी किसके अंदर है वो छत्तीसगढ़ के अंदर मिलती है, जो कि हमें ये हिल्स मिलती है, ये ध्यान रखना बेटा ये चीज ज्यादा सोचने की, बेला दिला रेंज कहाँ पे जिसके अंदर 14 सुपर ग्रेड के हेमेटाइट आपको मिलते हैं, और ये कहाँ पे बेटा आपकी बस्तर के डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे है बस्तर के डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे आपको ये मिलती है, और ये बस्तर की डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ती है बेटा आपकी छत्तीसगढ़ में पड़ती है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी बात, और ये आपको बेला दिला रेंज हिल के बारे में बता दिया गया है। अब आगे देखिए द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर यहाँ पे मिलता है, इट हैज द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी नीडेड फॉर स्टील मेकिंग, ये ध्यान रखना, तो ये ज्यादातर इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, अब देखो स्टील तो आपको दिख रहा है ना, स्टील का इस्तेमाल तो बहुत जरूर, क्योंकि स्टील ना एक एलॉय है बेटा, ये ध्यान रखना, स्टील ना हम स्टील का जो निर्माण करते हैं निकल वगैरह मिला के करते हैं, तो एक ही एलॉय है जो कि मेटल और मेटल या फिर मेटल
और नॉन मेटल से मिलाकर बनाया जाता है। ये नेचुरल नहीं होते ये बेटा, जो ये नेचुरल है ना एलोय जो होते हैं बेटा, ये नेचुरल नहीं होते, ये नेचुरल से नहीं मिलते आपको, ये आपको लेबोरेटरी में तैयार करने पड़ते हैं, और लेबोरेटरी में अगर तैयार होते हैं तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मैन मेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैन मेड बोला जाता है। तो ये हमारे कौन से होते हैं, एलोय होते हैं, एलोय होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, हमारा हमारा क्या बोलते हैं, एलोय। देखिए आगे, हमारी जो लेबोरेटरी में जो तैयार होंगे उनको क्या बोलेंगे, मैन मोड मैन मेड बोलेंगे बेटा। और आगे कौन से एलोय बनाए जाते हैं, उसके लिए जो 14 हमारे जो पहला जिला रेंज है ना बस्तर में, जो छत्तीसगढ़ में मिलती है, तो उसी से हमें क्या मिलते हैं, हमारी ये एलोय बनाया जाता है, जो इसमें इस्तेमाल करते हैं बेटा स्टील मेकिंग में। और स्टील मेकिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें क्या होता है बेटा, निकल प्रेजेंट होता है, और इन सबसे आयरन वगैरह से इन स्टील को एलोय बनाए जाते हैं, क्योंकि स्टील आपको नेचुरली ऑक्यूरिंग नहीं है बल्कि मैन मेड द्वारा है, आदमियों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। अब आगे देखिए, आयरन और फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया विया विशाखापट्टनम पोर्ट। अब ध्यान रखना है, जो पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो तो पोर्ट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, इसमें विशाखापट्टनम पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो ये ध्यान रखना है। और कहाँ पे किया जाता है एक्सपोर्ट, एक तो जापान में एक्सपोर्ट किया जाता है, और एक कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, साउथ और कोरिया में इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। कहाँ पे, साउथ कोरिया में इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। और आयरन और दीज माइन से कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है बेटा, जापान में और साउथ कोरिया में। ये चीज बहुत ध्यान रखनी है बेटा, कहाँ से, सीधी सी बात, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बेलादिला से स्टार्ट हुई थी। बेलादिला कहाँ पे है बेटा, बस्तर में है। बस्तर किसकी डिस्ट्रिक्ट है, ये है छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट है। छत्तीसगढ़ किस डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा 14 क्या हेमेटाइट, 14 हेमेटाइट सुपर आयरन ओर मिलता है, और इस आयरन ओर से क्या बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है। ये अब जो ज्यादा बचेगा आयरन ओर, उसको कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, जापान में, और कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, साउथ कोरिया में, जापान और साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। और कौन से पोर्ट का इस्तेमाल करके, विशाखापट्टनम, क्या नाम लिया मैंने, विशाखापट्टनम पोर्ट का है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई बेटा, सबसे पहले मैंने आपको रेंज के बारे में बताया, उसके बाद मैंने उसका डिस्ट्रिक्ट बताया, उसका फिर स्टेट बताया, क्या मिलता है, किसको बनाया जाता है। और ये ध्यान रखना, स्टील एक्सपोर्ट नहीं होता, यहाँ से एक्सपोर्ट क्या होता है, ये हेमेटाइट आयरन ओर ही प्रेजेंट होता है, जो आयरन ओर को ही क्या कर देते हैं हम, वहां से एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं, 14 डिपॉजिट्स एक्सपोर्टेड किए जाते हैं। आगे देखिए, बल्लारी चित्रदुर्गा चिकामगलुरु तुमाकुरु बेल्ट, बेल्लारी चित्रदुर्गा चिकामगलुरु तुमाकुरु, नाम ही बहुत बड़ा है, तो नाम को याद कैसे रख सकते हैं, बुला रही है तो बेल्लारी, बुलारी बेल्लारी, बुलारी बेल्लारी, बुलारी और बेल्लारी, कौन बुला रही है, चित्रदुर्गा, कौन बुला रही है, चित्रदुर्गा हमें बुला रही है, क्या, चीकू लेके, चीकू लेके, चीका चीका मंगवा रही है, चीकू मंगवा रही है, चीका मंगलुरु, चीका मंगलुरु, क्या याद रखोगे, चीका मंगलुरु, बुलारी बुला रही है, कौन, चित्र दुर्गा, यहाँ से क्या लिखोगे, बुला रही, तो बुला रही से बेलारी, चित्र दुर्गा, चित्र दुर्गा सीधा, ये तो चित्र दुर्गा याद ही हो जाएगा, क्या याद हो जाएगा, चित्र और दुर्गा, चीका क्या, चीकू याद रखो, क्या, चीकू, मंगवा, मंगवा से याद रखो, मंगलुरु मंगलुरु, मंगवा क्या बोलोगे, मंगवा रही है, क्या, मंगलुरु, क्या, तुमाकुरु तुमसे, तुमाकुरु 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 तुमसे, किससे, तुमसे, तो इस तरीके से याद रह जाएगा बेटा। तो थोड़ा सा हिंट आपको मिल गया यहाँ से, तो यहाँ से मैंने आपको बताया बुला रही, तो ट्रिक क्या बनी है, बुला रही कौन, चित्र दुर्गा, क्या मंगवा रही, चीका मंगलोरू, चीकू मंगवा रही, चीकू मंगवा किससे, तुमसे 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 तुमा करूं, तो इसको इस ट्रिक से याद करने की कोशिश कीजिए बेटा, तो क्या जाएगा,
Bellary, Chitradurga, Chikamagaluru, Tumakuru belt in Karnataka है जे large reserve of iron ore के क्या बेटा यहाँ पे large के हैं क्या बिल्कुल iron ore के large reserve है बेटा क्या है large reserve आगे देखिए अब इसमें आगे क्या बताना चाह रहा है ये कुंदेरमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका. सबसे ध्यान रखना बेटा कौन सी माइंस है कुंदेरमुख माइंस है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है वेस्टर्न घाट. सबसे पहली बात इसने क्या बताई है बेटा इसने बताया है कुंदेरमुख है कहाँ पे है वेस्टर्न घाट्स में प्रेजेंट है और कौन से एरिया में बेटा कर्नाटका में. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में क्या है 100% एक्सपोर्टिंग यूनिट है बेटा कि उसका कुछ रखते ही नहीं है उसका तो 100% इन क्या कर देते हैं एक्सपोर्ट कर देते हैं उसका क्या कर देते हैं 100% एक्सपोर्ट. कुंदेरमुख डिपॉजिट्स आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इसको क्या बोला जाता है इन डिपॉजिट्स को वन ऑफ द लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में क्या माना गया है लार्जेस्ट माना गया है कहाँ पे पूरे वर्ल्ड में कौन सी कुंदेरमुख माइंस है. और साथ साथ में लिखता है इसलिए बेटा ताकि साथ साथ बार बार रिवाइज करवाता रहूं क्योंकि पेज पीछे चला जाता है फिर उसके बाद आप रिवाइज नहीं कर पाते हो ताकि मैं रिवाइज करवाता रहूं. कौन सी माइन है कुंदेरमुख माइंस है कहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में और कहाँ की कर्नाटका की और 100% कौन सी यूनिट है एक्सपोर्टिंग यूनिट है और वन ऑफ द लार्जेस्ट बेटा क्या है वन ऑफ द लार्जेस्ट और कहाँ पे नॉट इन द कंट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड में क्या है बिल्कुल लार्जेस्ट है. The ore is transported as slurry through a pipeline to a port near Mangalore. जो मंगलुरु के पास पोर्ट है वहाँ पे स्लरी के रूप में लिक्विड सोर्स होता है उसको कहाँ पे पहुँचाया जाता है बेटा उसको आप पहुँचा देते हो पोर्ट है जो कि किसके नजदीक है बेटा मंगलुरु के नजदीक है उस पोर्ट के पास आप उनको पहुंचा देते हो. द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी के रूप में बेटा कहाँ पे थ्रू ए पाइपलाइन में किसमें बेटा एक पाइपलाइन बिछी हुई है बेटा और उसके द्वारा आप उसको कहाँ पहुंचा देते हो एक पोर्ट है कहाँ पे नियर मंगलुरु के नियर में वहां पे उसको पहुंचा देते हो. ये आपको बिल्लारी दिख रहा है ये आपको चित्रदुर्ग दिख रहा है ये आपको तुमाकुरु दिख रहा है ये आपको चिकमगलुरु दिख रहा है और ये आपको मंगलुरु दिख रहा है. ये पूरी की पूरी बेल्ट आपको दिख गई सब अलग अलग है बेटा बल्लारी अलग है चित्रदुर्ग अलग है तुमाकुरु अलग है और चिकमगलुरु अलग है. देखो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको ये आपका क्या है बल्लारी उसके बाद क्या है चित्रदुर्गा बेलारी चित्रदुर्गा आगे क्या है तुमाकुरु आगे क्या है तुमाकुरु और फिर आगे क्या है चिकमगलुरु. अगर कोई पूछे मंगलुरु जो है बेटा उसके सबसे नजदीक कौन सा है तो आप क्या बोलोगे चिकमगलुरु है जो उसके क्या है बेटा सबसे ज्यादा नजदीक है. तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे भी चिकमगलुरु क्या उसके सबसे ज्यादा नजदीक है. और यहाँ पे क्या बताया इसने बेटा जो इसके अंदर है इन सब में से ये जो यहाँ पे है इन सब से जो भी आयरन ओर पहुंचाया जाता है किन के द्वारा पहुंचाया जाता है पाइपलाइन के द्वारा पहुंचा दिया जाता है एक किसके रूप में एक स्लरी के रूप में पहुंचा दिया जाता है और जो किसके नजदीक है मंगलुरु के नजदीक है वहां पे पाइप के द्वारा पहुंचा दिया जाता है. आगे आती महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट. महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. एक तो गोवा के अंदर क्या आती है बेटा कौन सी स्टेट है इसके अंदर स्टेट है कौन सी बेटा गोवा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आती है. रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ की है बेटा ये डिस्ट्रिक्ट आपकी कहाँ की है महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है. ये कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है. थ्रू द ओर्स आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी. ओर्स यहाँ पे वेरी हाई क्वालिटी के नहीं है. एक चीज यहाँ पे जो मेन सोचने की है बेटा वो क्या है ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ हाई क्वालिटी येट दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड. तो इनको एफिशिएंटली क्या किया जाता है एक्सप्लॉइटेड किया जा सकता है. तो आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू द मारमगाओ पोर्ट. किसके द्वारा बेटा मार देखो गोवा दिख रही है यह आपकी रत्नागिरी ये कौन सी रत्नागिरी और मारमगाओ के लिए आपने यहाँ पे डॉट लगा बेटा ये क्या मारमगाओ. तो इस पोर्ट के द्वारा बेटा हम क्या करते हैं अपने आयरन ओर को आके पहुंचा देते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेरस मिनरल्स. देखो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानिए. द इम्पोर्टेंस ऑफ फेरस मिनरल्स दे अकाउंट फॉर द अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू प्रोडक्शन. एक तो पहली बात तो ये हमने सबसे पहले पढ़ी थी अगर टोटल 4 किलोग्राम आपके आयरन ओर आते हैं तो उसमें से 3 किलोग्राम क्या रहते हैं आपके फेरस रहते हैं बेटा टोटल वैल्यू प्रोडक्शन का.
दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज का क्या होता है बेटा, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करवाते हैं और इंडिया हैज आल्सो एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल आफ्टर मीटिंग द एनुअल डिमांड। तो ये तीनों चीजें आपने पढ़ ली हैं। इंपॉर्टेंस फेरस मिनरल्स की ये है कि टोटल वैल्यू जो होती है बेटा प्रोडक्शन का, वो क्या रखते हैं बेटा हम मिनरल्स में क्या रखते हैं, द अकाउंट फॉर 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू किसकी है बेटा, आपके फेरस मिनरल्स की है। और दूसरा क्या बेटा, प्रोवाइड क्या करवाते हैं आपको, एक स्ट्रॉन्ग बेस को प्रोवाइड करवाते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए। और इंडिया आल्सो एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज को क्या करते हैं आप, एक्सपोर्ट करते हैं, किसको करते हैं बेटा आप, एक्सपोर्ट करते हैं फेरस मिनरल की आफ्टर मीटिंग द इंटरनल डिमांड के मिलने के बाद। तो इन सब चीजों के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया। तो इस क्लास में इतना ही बेटा, जिसमें हमने किसके बारे में, अलग अलग बेल्ट्स के बारे में पढ़ा, उनके पोर्ट्स के बारे में पढ़ा। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी आई थी बेटा, एक हमने ये देखा कि बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकामगलोर, तुमाकुरु की एक ट्रिक भी देखी, और हमने देखा किस तरीके से यहाँ पे एरनोर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है मंगलुरु के पोर्ट पे, उंदेलो की माइन कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, और ये आपकी वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में प्रेजेंट है। और हमने पढ़ा बेलार जिला जो रेंज है बेटा कहाँ पे है बेटा, वो बस्तर में है जो कि छत्तीसगढ़ में, तो 14 हेमेटाइट और उससे मिलता है, उससे स्टील भी बनाया जाता है, और जब इंटरनल डिमांड हो जाती है उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, जापान में, साउथ कोरिया में, कौन से पोर्ट से बेटा, विशाखापट्टनम के पोर्ट से। और ये कर्नाटका की पढ़ी हमने बेटा चिकामंगलोर वगैरह वगैरह के बारे में। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है, किन की फेरस मिनरल्स की। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में इतने ज्यादा हाई क्वालिटी के और नहीं है, मार्मगाव पोर्ट्स किया जाता है बेटा। इस तरीके से हमने पढ़ा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फेरस मिनरल्स की, इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।